रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को 4 दिवसीय यात्रा पर वाशिंगटन पहुंचे और आज वाशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद बढ़ा है। पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बातों को जिस गंभीरता से लिया जाना चाहिए उस गंभीरता के साथ नहीं लिया जाता था, लेकिन आज जब भारत बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। भारत अब दुनिया के ताकतवर देश बन गया है। 2027 आते आते भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने से कोई नहीं रोक सकता है। कोरोना काल के दौरान अमेरिका जो सबसे ताकतवर देश है, यहाँ भी समस्या पैदा हुई होगी, भारत में भी हुई, लेकिन उसका मुकाबला हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरह से किया वो सराहनीय है। बहनों भाइयों, हम सब इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इंटरनेशनल कमिटी में भारत का स्टेशन बढ़ा है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या है। यह भारत की हैसियत बनी है। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि होगा आपको भारत के बारे में, तो वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इनका यह परिचय होगा, इसलिए बोल रहे हैं। भारत और दुनिया का ताकतवर देश है। इकॉनमी का जहां तक सवाल है, पहले भारत की इकॉनमी फ्रेजाइल फाइव में खड़ी थी, आज फेबुलस फाइव में आकर खड़े हुए। ये मॉर्गन स्टेनली फर्म कहां की है बात आई, यूएस की है, मॉर्गन स्टेनली ये फाइनेंशियल फर्म है, मैं नहीं कह रहा हूं, मॉर्गन स्टेनली इसका दावा है कि 2027 आते आते भारत को की इकॉनमी को दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा है, आप ये समझ लीजिए कि भारत क्या स्थिति है, और इसमें भारत वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी है। अब कोविड की क्राइसिस यहां भी रही होगी, आप लोगों को भी काफी परेशानी हुई होगी। अब कोविड की क्राइसिस में मैं समझता हूं कि अमेरिका जो सबसे ताकतवर देश, इकोनॉमिकली भी बहुत पावरफुल कंट्री, यहां भी क्राइसिस पैदा हुई होगी, इकॉनमी के समक्ष बड़े चैलेंजेस खड़े हुए होंगे, भारत में भी हुए, लेकिन उसका मुकाबला हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जिस ताकत के साथ किया है बहनों भाई, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। भारत की इकॉनमी पर कोविड की क्राइसिस का जो एडवर्स इंपैक्ट होना चाहिए वो नहीं होने दिया।